नमस्कार मित्रों मित्रों दीपावली की शुभकामनाओं के साथ हम आपको एक बार फिर से कुछ याद दिलाना चाहते हैं। मित्रों दीपावली पर पटाखे सावधानी पूर्वक चलाएं। कुछ लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से उनको कष्ट झेलने पड़ते हैं। मित्रों यह एक ऐसा त्योहार है जहां पटाखों से जलने के मामले बहुत ज्यादा आते हैं। मित्रों आज हम अपने इस वीडियो में आपको कुछ तरीके बताएंगे जिनसे कि यदि आप जल गए हैं तो आप अपना प्राथमिक उपचार कर सकें। मित्रों शरीर के किसी अंग का आग या ताप में जल जाना बेहद तकलीफ देह होता है। कई बार खाना बनाते वक्त गर्म पानी से या फिर बिजली के किसी उपकरण से जल जाने पर त्वचा पर फफोले हो जाते हैं या फिर पटाखों से भी जल जाने पर त्वचा पर फफोले हो जाते हैं जो आपकी तकलीफ को कई गुना बढ़ा देते हैं। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं वे उपाय। मित्रों जब भी किसी कारण से त्वचा जल जाए तो तुरंत उस पर ठंडा पानी डालें ताकि फफोले न पड़े। इसके बाद भी आप जले हुए स्थान पर ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर लपेट दें ताकि यह खतरा और भी कम हो जाए। मित्रों जलने पर एलोवेरा काफी फायदा पहुंचाता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर इसके गूदे का प्रयोग जले हुए स्थान पर किया जा सकता है। इसके बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। पानी या दूध से घाव को धोने के बाद एलोवेरा को जले हुए स्थान पर लगाएं। मित्रों जले हुए स्थान पर आलू या आलू का छिलका लगाकर रखने से भी जलन से राहत मिलेगी और ठंडक मिलेगी। इसके लिए आलू को दो भागों में काट कर उसे जख्म पर रखें। जलने के तुरंत बाद यह करना काफी फायदेमंद होता है। मित्रों जले हुए स्थान पर तुरंत हल्दी का पानी लगाने से दर्द कम होता है और आराम मिलता है, इसलिए इसे प्राथमिक उपचार के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। मित्रों शहद का प्रयोग भी जले हुए स्थान पर करने से लाभ होता है क्योंकि यह एक अच्छा एंटीबायोटिक होता है। यह घाव के कीटाणुओं को खत्म करने में सहायक होता है। इसके लिए शहद को पट्टी पर लेकर पट्टी को घाव पर रख दें और इस पट्टी को दिन में 2 से 3 बार जरूर बदलें। मित्रों जले हुए स्थान पर टी बैग रखने से भी आपको काफी राहत मिलेगी। इसके लिए टी बैग को फ्रिज या ठंडे पानी में कुछ देर रखने के बाद घाव पर लगाएं। इसमें टैनिक अम्ल होता है जो घाव की गर्मी को कम करके उसे ठीक करने में मदद करता है। मित्रों जले हुए हिस्से पर तुलसी के पत्तों का रस लगाना भी बेहद असरकारक होता है। इससे जले हुए भाग पर दाग बनने की संभावना कम होती है। मित्रों तिल का उपयोग भी जलने पर राहत पहुंचाने में सहायक है। तिल को पीसकर जले हुए स्थान पर लगाने से जलन और दर्द नहीं होगा। तिल लगाने से जलने वाले हिस्से पर से दाग धब्बे भी समाप्त होते हैं। मित्रों जल जाने पर टूथपेस्ट भी एक कारगर उपचार है जिससे जलन तो कम होती ही है साथ ही त्वचा पर फफोले भी नहीं पड़ते। इसलिए जलने पर कुछ उपलब्ध न हो तो तुरंत टूथपेस्ट लगा लीजिए। मित्रों जलने पर तुरंत पानी में नमक डालकर गाढ़ा घोल बनाएं और प्रभावित स्थान पर लगाएं। इससे ठंडक भी मिलेगी और त्वचा पर फफोले भी नहीं पड़ेंगे। मित्रों जले हुए स्थान पर तुरंत मीठा सोडा डालकर रगड़ने से भी फफोले नहीं पड़ते और बिल्कुल जलन नहीं होती। मित्रों हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।